राजू बेटा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंकल। बेटा उठ गए? नहीं अंकल, क्यों? मेरा बहुत घूम रहा है। बेटा तुम कितने मजाक किया हो। राजू बेटा बहुत आलसी हो रहे, तुम इतना टाइम हो गया अभी उठ रहे हो। अरे अंकल हम लेट उठते हैं इसका मतलब ये नहीं है हम आलसी है भाई, हमारे सपने बड़े होते हैं। अच्छा राजू बेटा बात तो सुनो, कल तुम्हारा हिस्ट्री का पेपर था वो कैसा गया? अरे अंकल बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। क्यों बेटा क्या हो गया ऐसा? अंकल देखो मैं पैदा हुआ था 2004 में और जो हिस्ट्री के एग्जाम में क्वेश्चन थे वो 2004 के पहले के थे, तो मैं कैसे उसके आंसर सही लिखता जब मुझे कुछ पता ही नहीं था। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। राजू बेटा ऐसी नहीं चलेगा बातें, तुम 57 की करते हो और यहाँ पे 2004 पर टक गए। राजू बेटा हमारे रिंकू बेटा से सीखो, शतक मारने में सिर्फ 5% से रह गया वो। अरे अंकल जी देखो कोई भी काम सिर्फ 2 वजह से होते हैं, या तो शौक से या फिर डर से। फालतू के शौक हम रखते नहीं है और डरते तो हम किसी के बाप से नहीं है। रुको जरा सबर करो। क्या बोला बेटा तूने? डरता नहीं किसी के बाप से? बोला तेरे बाप को। अरे अंकल अंकल मेरे मुंह से निकल, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। राजू बेटा अब तो तुम 12वीं पास होने वाले, क्या करने का विचार है तुम्हारा? अरे अंकल कुछ भी करूंगा पर किसी रिश्तेदार के घर जाके इतना बेहुदा सवाल उससे अभी नहीं पूछूंगा। जली ना तेरी भी जली ना। अरे अंकल ये सब तो छोड़ो, मुझे बताओ चाय नाश्ता लोगे कुछ? राजू बेटा हम चाय भी लेंगे नाश्ता भी लेंगे, हम रिश्तेदार है तुम्हारे, तुम्हारी भी लेंगे। अंकल जी तुम भी बड़े टोपी वाले आदमी हो। राजू बेटा ये बताओ आप आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? अरे अंकल ये तो आप पे डिपेंड करता है, 50 रुपये दे के जाओगे तो चिप्स, 100 रुपये दे के जाओगे तो चिकन राइस। बेटा हम तुम्हें सिर्फ आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद। दिल से बुरा लगता है यार।